शगुन कल्याण सामाजिक संस्था द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया नव वर्ष। शगुन जन कल्याण सामाजिक संस्था कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सैनी व उनके सभी पदाधिकारी द्वारा नए साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मिरर टाइम्स के प्रधान संपादक डॉक्टर रईस अलवी, लक्ष्मी नगर समाचार से वीसु शर्मा, शगुन जन कल्याण सामाजिक संस्था के कोषाध्यक्ष आशु कुमार और महासचिव गुड्डू कुमार, जिला युवा संघ के संगठन के अध्यक्ष समद मिर्जा, शगुन जन कल्याण के मीडिया प्रभारी सोहन वीर सिंह, जिला कार्यकारी सदस्य पवन कुमार मौजूद रहे। साथ ही इन सभी लोगों को शगुन कल्याण संस्था के द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया और सभी देशवासियों को नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शगुन जन कल्याण के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सैनी और डॉक्टर रईस अलवी ने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए सभी पदाधिकारी को कहा कि गरीब और निसहाय व्यक्तियों की मदद करना चाहिए। मैं दीपक कुमार सैनी, शगुन जन कल्याण सामाजिक संस्था से राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर शगुन जन कल्याण सामाजिक संस्था के प्रशासनिक कार्यालय पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें कुछ लोगों को, कुछ पदाधिकारियों को सम्मानित किए गए, जैसे कि पवन कुमार मास्टर जी सम्मानित किए गए, सोनवीर सिंह सम्मानित किए गए और अमित कुमार जी सम्मानित किए गए, विशु शर्मा मुजफ्फरनगर समाचार से सम्मानित किए गए, डॉक्टर रईस अलवी प्राइम मीरियर के संपादक सम्मानित किए गए। ऐसे ही काफ़ी लोग उपस्थित रहे, जैसे आशु कुमार, गुड्डू कुमार, पवन कुमार मास्टर जी, रईस अलवी जी, समद मिर्जा, विजेंद्र कुमार जी, अमित कुमार जी, विशु कुमार जी। इसी अवसर पर आगे की कार्यकारिणी, अभी हम स्कूल की प्रतियोगिता के लिए भी हम निःशुल्क अभी स्कूल हमने चला रखे हैं, जैसे कि कोचिंग गरीब बच्चों के लिए, और आगे भी मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी मिलजुल कर जो है समाज सेवा कीजिए और गरीब अनाथ बच्चों की जो है स्कूल पे ध्यान दीजिए। और सभी प्रदेशवासियों को आज के नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपडेट मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।